Hello students, how are you? Hope you all are doing well in revision time. Today we will start our chapter 14 noun possessive case. Okay students, so do you know noun possessive case? Okay, I will explain you a noun that shows ownership or relation. Okay, a noun that shows ownership or रिलेशन इज अ पोसेसिव नाउन ओके नाउन क्या शो करता है ऑनरशिप है ना ऑनरशिप के लिए और रिलेशन बताता है वह क्या है नाउन पोसेसिव केस नाउ एग्जाम्पल देखिए रेखाज वॉच इज कॉस्टली ओके सुनाओ रेखाज बिलोंग टू दॉरी वॉच बिलोंग्स टू द रेखा ओके okay. रेखा है उसी की वॉच तो है कॉस्टली इसलिए वह किसको बिलोंग करता है रेखा को ओके ओके नाउ लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट द पेन ऑफ द गर्ल वॉज ऑन द टेबल ओके द पेन ऑफ द गर्ल वॉज ऑन द टेबल ओके नेक्स्ट द डॉग ऑफ रिया वॉज कॉल्ड रॉकी And next, the legs of the baby were thin. The legs of the baby were thin. Okay, student. So now, the pen. Okay, the pen belongs to the girl. Okay, किसका pen table के ऊपर रखा, okay. रखा हुआ है इस girl का. Okay, ये देखिए किसके ऊपर रखा हुआ है ये table के ऊपर. और ये किसका dog है रिया का है ना रिया का डॉग है जिसे वह क्या वो पुकारती है रॉकी एंड नेक्स्ट किसका पैरथिन है इस बेबी का ओके सुनाओ द गर्ल्स ओके द गर्ल्स मीन्स द पेन है ना बिलोंग्स टू द गर्ल ओके क्योंकि इस गर्ल्स का पैन ही तो है जो टेबल के ऊपर रखा है तो ये गर्ल्स को बिलोंग करता है ओके एंड नेक्स्ट बेबी है ना बेबीज फीट मीन्स द बेबी मीन्स द फीट ऑफ द बेबी किसका पैर है इस बेबी का ही पैर है ना एंड नेक्स्ट द डॉग ओके रियाज डॉग रियाज डॉग मीन्स द डॉग बिलोंगिंग ऑफ रिया किसका डॉग है रिया का डॉग है ना इसलिए किसको बिलोंग कर रहा है ये रिया को ओके स्टूडेंट्स नाउ दिस सेंटेंस लुक अवेंग वे वी से इंस्टिट द गर्ल्स पैन वॉज ऑन द टेबल द बेबीज लैक्स वर्थिन रियाज डॉग वॉज कॉल्ड रॉकी ओके हम इन सेंटेंस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि द गर्ल्स पैन वॉज ऑन द टेबल एंड नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए द बेबीज लैक्स वर्थिन रियाज डॉग वॉज कॉल्ड रॉकी सो नाउ स्टूडेंट दिस फॉर्म इज कॉल्ड द केस बिकॉज़ इट इज यूज टू शो पोजिशन ओके बिकॉज इट इज यूज टू शो पोजिशन ओके पोजिशन को शो कर रहा है कि पेन किसके ऊपर रखा हुआ है टेबल के ऊपर ओके तो क्या पोजिशन है उसकी ओके स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट हाउ टू फॉम द पोसेसिव केस ओके द पोसेसिव केस ऑफ सिंगुलर नाउन्स इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द नाउन्स दैट स्टैंड फॉर द पोजिशन एस रोहनस बाइसिकल वॉज न्यू किस की बाइसिकल न्यू है रोहनस की ओके तो हम क्या ऐड करते हैं उसमें एस यूज करते हैं बट अपोस ट्रॉफी एस है न पोस्ट ट्रॉफी एस एस के पहले हम ये देखिए क्या यूज़ करते हैं ये अपोस्ट्रॉफी क्या बोलते हैं इसे अपोस्ट्रॉफी ओके रोहन मीन्स रोहन की है ना रोहन की बाइसिकल कैसी है न्यू है ओके नाउ नेक्स्ट माई अंकल्स डॉग हैज अग टेल ओके माई अंकल्स हैज माई अंकल्स डॉग हैज लॉन्ग टेल ओके सो इस डॉग का ओनर कौन है ये अंकल कौन है अंकल तो ये क्या है इसके ओनर है वो किसके डॉग के ओके नाउ नेक्स्ट द किंग सॉरी द गर्ल्स हैंड्स वर टाइड विथ अ रोप ओके किसके हैंड रोप हैं बंधे हुए हैं गर्ल के तो इसकी ओनर कौन है ये गर्ल है ओके नाउ नेक्स्ट द पॉसेसिव केस ऑफ प्लूरल नाउन्स इज फॉर्म्ड इन फॉलोइंग टू वेज ओके जब प्रोसेसिव केस का है क्या होगा सिंगुलर नाउन होगा है ना सिंगुलर है तो हम उसमें क्या करेंगे अपोस्ट्रॉफी एस यूज करेंगे एंड प्लूरल नाउन्स होगा तो हम टू वेज में उसे हम कर सकते हैं टू वेज हैं उसके नाउ फर्स्ट देखिए इफ़ द प्लूर इफ द प्लूरल्स एंड्स इन एस वी एड ओनली एन अपोस्ट्रॉफी यदि प्लूरल्स की एंडिंग किससे हो रही है ओनली एस से हो रही है तो हम क्या ऐड करेंगे उसमें ओनली अपोस्ट्रॉफी बस ऐड करेंगे ओके नाउ एग्जांपल देखिए द कैनल्स ऑफ द डॉग्स देखिए इसमें एंडिंग किससे हो रही है एस से हो रही है ना तो इफ द प्लूरल्स एंडिंग इन एस सो वी ऐड ओनली अपोस्ट्रॉफी। तो द डॉग्स कैनल किसका कैनल है डॉग्स का तो द डॉग्स कैनल्स ओके क्स्ट दर्ड्स एस देखिए प्लूरल एंडिंग क्या है इन एस ना दर्ड्स नेक्स्ट ओके तो क्या है ये अपोस्ट्रॉफी ओनली हमें एड करना है ओके नाव नेक्स्ट देखिए ये फर्स्ट वे था ये सेकेंड वे देखिए इफ द प्लूर डज नॉट एंड इन एस जिन प्लूर की एंडिंग एस से नहीं होती तो हमें क्या ऐड करना है वी एड अपोस्ट्रॉफी ओके ट्रॉफी और एस ऐड करना है है नाउ आर हर्ड देखिए इसके एस उसके आगे अपोज्रॉफी चिल्ड्रंस बुक्स मस्ट बी अट्रैक्टिव चिल्ड्रंस बुक्स मस्ट बी अट्रैक्टिव ओके नाउ एड पोस्टीस जिन प्लूर्स की एंडिंग एस से नहीं होती है उसमें हम क्या यूज करेंगे अपोस्ट्रॉफी एस यूज करेंगे ओके स्टूडेंट्स ओके नाउ नेक्स्ट रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय इंसर्टिंग अपोस्ट्रॉफी वेयर ओवर इट इज नीडेड हमें इस सेंटेंस को रिराइट करना है फिर से लिखना है और जहाँ जरूरत है वहाँ हमें अपोस्ट्रॉफी यूज करना है ओके नाउ बॉयज कॉलेज देखिए इन इस नाउन्स की एंडिंग किससे हो रही है एस से हो रही है हो रही है ना एस से इस नाउन की एंडिंग तो हमने पढ़ा था टू वेज हैं जब यदि केस नाउन तो उसके फॉर्म के क्या है टू वेज हैं तो फर्स्ट वे क्या था जिन इफ द प्लूरल एंड इन एस तो ये देखिए एस से हो रही है तो हम क्या करेंगे बॉयज कॉलेज ओके द टैल ऑफ द लॉयन तो द टेल्स ऑफ द लॉयन ओके ओके स्टूडेंट्स नाव नेक्स्ट सेंटेंस भी आप इसी प्रकार से रिराइट करेंगे और जहां जरूरत हो वहां पर आपोस्ट ऑफ ही आप, आप यूज करेंगे ओके सो नाओ यार होमवर्क ओके स्टूडेंट्स ओके बाय बाय है गुड डे